नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज़ में। दोस्तों, क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति का 14वां सीजन चल रहा है और पिछले 13 सीजन की तरह इस शो को भी दर्शकों द्वारा खूब प्यार मिल रहा है। शो के हालिया एपिसोड बुधवार को शो में हॉट सीट पर पहुंची अनुश्री धतिंगण, जो गुजरात के अहमदाबाद की रहने वाली है। शो से अनुश्री ने केवल 10,000 रुपये लेकर घर लौटी। दरअसल शो में उन्होंने 80,000 रुपये जीत लिए थे, लेकिन उन्होंने 1,60,000 रुपये के लिए पूछे गए 90 सवाल का गलत जवाब दिया, जिसके बाद वो जीती हुई धनराशि हार गई और उन्हें केवल 10,000 रुपये लेकर ही शो से लौटना पड़ा। चलिए जानते हैं क्या था वो सवाल जिसका जवाब नहीं दे सकी अनुश्री। सवाल, इनमें से किस राज्य की तटरेखा है और हिमालय का एक छोटा सा हिस्सा भी इससे होकर गुजरता है। इसके 4 ऑप्शंस थे, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। इस सवाल पर अनुश्री ने लाइफलाइन 50-50 का इस्तेमाल किया, जिसके बाद 2 विकल्प बी और डी बच गए। इसके बाद अनुश्री ने डी अरुणाचल प्रदेश को चुना, जो कि गलत जवाब था। इसका सही जवाब है बी, पश्चिम बंगाल। इस सवाल का गलत जवाब देकर वो जीती हुई धनराशि भी हार गई और केवल 10,000 रुपये लेकर उन्हें घर लौटना पड़ा। मालूम हो कि शो में अनुश्री अपने माता पिता और पति के साथ आई थी। वो खुद बैंकर है, जबकि उनके पति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर है। अनुश्री अपना होटल खोलना चाहती है। दोस्तों, अनुश्री के लिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएँ। धन्यवाद।